स्वागत है गाइस आपका एक नए ब्लॉग में फ्रॉम कोयम्बटूर। सो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी खाली जगह पे मैं कहाँ पर हूँ, एंड इस वीडियो का टाइटल से भी आप समझ गए हैं दैट येस आई एम हेडिंग टूवर्ड्स ऊटी। एंड अभी बताती हूँ, आज है सेकंड डे मेरा कोयम्बटूर में, यहाँ से मैं जा रही हूँ, मतलब होटल से चेकआउट कर दिया। एंड टाइम बताऊँ तो अभी कुछ 5:30 हो रहे हैं प्रिसाइसली, और बहुत अर्ली मॉर्निंग है अभी। और मैं आई हूँ कोयम्बटूर के न्यू बस स्टैंड पे, जहाँ से मैं ऊटी के लिए अपनी बस बोर्ड करूँगी। बेसिकली आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप कोयम्बटूर से ऊटी कैसे पहुँच सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन नियरेस्ट सिटी कह लो, या फिर यहाँ पे आप अगर ट्रेन से आओगे स्टेशन पे यहीं उतरोगे, बस से आओगे तो बस भी आपको यहीं ड्रॉप करेगी। तो दिस इज़ द मेन प्लेस जहाँ से आप अपनी ऊटी की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि आप ऊटी कैसे पहुँचे, कौन सी बस बोर्ड करनी है, क्या टाइमिंग्स है, क्या टिकट फेयर है, ऊटी पहुंच के कौन सा बजट ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं स्टे का, मैं क्या चूज़ करूँगी, अगर आपको सब कुछ देखना है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो, एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस कोयम्बटूर से ऊटी का डिस्टेंस कुछ 80 किलोमीटर है, एंड यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर में ही है। तो यहाँ तक आने के लिए आप बाय रोड ही आ सकते हैं, एंड बस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन। सो गाइस कुछ कोयम्बटूर का जो न्यू बस स्टैंड है वो ऐसा दिखता है, सुबह के टाइम तो पूरा ही खाली है। कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में दो मेन बस स्टैंड है, वन इज़ गांधीपुरम एंड सेकंड इज़ दिस न्यू बस स्टैंड। गांधीपुरम इज़ ऑल्सो अ वेरी हसलिंग बसलिंग बस स्टैंड ऑफ कोयम्बटूर, जहाँ पे आपको वॉल्वोस वगैरह नॉर्मली उतारती है, आपका ड्रॉपिंग पॉइंट होता है, सो दैट्स ऑल्सो द मेन बस स्टैंड। बट यहाँ पे कैच ये है कि जो ऊटी है, ऊटी के लिए बसेस आपको गांधीपुरम बस स्टैंड से नहीं मिलेगी, तो गांधीपुरम से आपको आना पड़ेगा न्यू बस स्टैंड। अब मेरा जो होटल था वो भी गांधीपुरम के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर था, गांधीपुरम बस स्टैंड के, तो मेरे को आना पड़ा अब यहाँ पर न्यू बस स्टैंड पर, एंड विच इज़ नॉट फार अवे, आई थिंक ये कुछ 4 किलोमीटर ही है। एंड गांधीपुरम बस स्टैंड से आपको न्यू बस स्टैंड के लिए बसेस ईजिली मिल जाएगी, बहुत ईजिली। फ्रॉम गांधीपुरम बस स्टैंड आपको वहीं से बस पिक करके 10 रुपीज़ लेगी वो आपसे न्यू बस स्टैंड पर आना है, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगी ऊटी के लिए बसेस हर 40 से 45 मिनट्स के अंदर। तो क्या फ्रिक्वेंसी है वैसे भी एग्जैक्टली मैं पूछती हूँ भैया से, अभी फेयर भी अब यहाँ पे मतलब आपको बस के अंदर ही टिकट मिलेगी तभी पता लगेगा कि क्या टिकट प्राइस है। और सीट मैंने अपनी चूज़ कर ली है, बिल्कुल फ्रंट सीट है। 6:15 पे जो बस है वो डिपार्ट करेगी, अभी बस चलने ही वाली है, कुछ 10-15 मिनट ही रह गया। आई एम गोइंग देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार जा रही हूँ, सो मैं डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ, वो इतनी स्टेशन ही है, कैसी जर्नी रहेगी। 4 घंटे का रास्ता है फ्रॉम कोयम्बटूर टू ऊटी, और लेट्स सी कब हम पहुँचते हैं। 6:15 पे डिपार्ट कर रहे हैं तो लेट्स सी हम कब पहुँचते हैं। मुझे फिर चेक इन भी करना है वहाँ पर, चेक इन आज ही मुझे ऊटी एक्सप्लोर भी करना है, सो आई रियली वॉन्ट कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ। क्या एग्जैक्ट टाइम होगा या आप अभी आगे चलते हुए देखेंगे, लेट्स वेट। 6:15 पर बस डिपार्ट करने वाली है, पीछे ही है हमारी बस ये लगी हुई है, उधर बस ड्राइवर के मित्र भी हो गया। सो गया इन एवरी हाफ एन आवर 50 मिनट्स Every 50 minutes. Okay, that's great. And what is the price? Ticket price? 85. 85 rupees. And how much time it will take? 4 hours. 4 hours. Thank you. तो आपने सुना ही कि हर 15 मिनट्स की फ्रिक्वेंसी पे बसेस आर अवेलेबल फॉर ऊटी, तो बसेस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ऑन टाइम ही हमारा यहाँ से डिपार्चर होता है, एंड टिकट्स आपको एडवांस पे बुक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट ही टिकट्स यहाँ पे मिलेगी। तो ये हमें 80 रुपीज़ की टिकट मिल गई है, एंड मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था इस दिन, और मज़ा आ रहा था। ऑल दो बारिश भी हो सकती है जो कि आप आगे देखेंगे जर्नी में, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत था।
बाय द वे, जिनको ये जानना है कि मैं कब ट्रैवल कर रही हूँ, क्या डेट्स है, क्या मंथ है, सो दिस इज़ नवंबर मंथ, एंड ऑफ नवंबर, एंड अभी भी यहाँ पे देखिए ऐसी बारिश होती है। और वैसे कहते हैं ऊटी को तो बारिश के मौसम में एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग होता है, बट येस नवंबर के मंथ में भी आपको यहाँ बारिश मिल जाएगी। तो गाइस कुछ 30 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं मेट्टुपल्लयम। बेसिकली अगर आपको कोयम्बटूर से ऊटी तक बाय ट्रेन जाना है, विच इज़ टॉय ट्रेन, तो आपको कोयम्बटूर से टॉय ट्रेन नहीं मिलती है, आपको मेट्टुपल्लयम आना पड़ेगा एंड वहां से टॉय ट्रेन इज़ अवेलेबल टू गो टू ऊटी। सो ये भी एक ऑप्शन है एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कई लोग इसे डेफिनेटली चूज़ करते हैं, बट उसके लिए आपको कोयम्बटूर से पहले मेट्टुपल्लयम पहुंचना पड़ेगा। एंड जो मेट्टुपल्लयम का रेलवे स्टेशन है वो बस स्टैंड से हार्डली कुछ 2 मिनट की वॉकिंग पर है, तो अभी हम मेट्टुपल्लयम के बस स्टैंड पे खड़े हैं। ऑल्सो मैं खुद ऊटी टॉय ट्रेन की जर्नी करूंगी, जो कि आप देखेंगे आने वाले वीडियो में। एंड फिलहाल यहाँ पे हमारा बस का कुछ 5 मिनट का स्टॉप है। तो फिर जैसे ही आप मेट्टुपल्लयम को क्रॉस करेंगे, आपको रास्ते और ज़्यादा सीनिक देखने को मिलेंगे। और इस ये जो मौसम है ये तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पूरी ब्यूटी को। सच कहूँ तो जर्नी बहुत स्मूथ जा रही है, बहुत ही अच्छी जा रही है। और अभी जितने भी सीनिक व्यू आपको दिखने वाले हैं, सच कहूँ तो कैमरा तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा था कितना खूबसूरत लग रहा था, बट आई ट्राई कि मैं आपको सारा दिखाऊँ रास्ता यहाँ का कितना खूबसूरत है, ताकि आपका भी मन करे यहाँ के लिए जल्द से जल्द ट्रिप प्लान करने का। गाइस अब यहाँ पे हेयर पिन बैंड्स स्टार्ट हो चुके हैं, विच इज़ अ मेजर हाईलाइट ऑफ दिस रोड कोयम्बटूर टू ऊटी। ये हेयर पिन बैंड्स बेसिकली जिगजैग रोड्स है, जहाँ पे थोड़ा ड्राइविंग हमें केयरफुली करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप डाउनहिल साइड जा रहे हो। सो अभी तो ये अपहिल जर्नी है एंड आई थिंक ये जो हेयर पिन बैंड्स है कोयम्बटूर टू ऊटी के रास्ते में वो कुछ 15 है। एग्जैक्ट नंबर क्या है ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं हुई, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ 15। और यहाँ से हमें माउंटेंस भी अब क्लियरली दिख रहे हैं, दीज आर नीलगिरी माउंटेंस। बस जर्नी का तो मज़ा और दुगना होता जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है।
welcome to our Queen of Hill Station, Ooty. And oh my god, guys, kya journey thi, kya road journey thi. I'm in point to us here to get it. Like, I think ye kehna galat nahi hoga. After so long, I had this feeling ki ek journey karke itna maza aaya ho, itna maza, itni zyada khoobsurti dekhne ko mili. Oh my god, I'm so happy. एंड अभी फ़िलहाल बस स्टैंड के आसपास ही हूँ, जस्ट ऑन द वे हूँ जिस प्रॉपर्टी पे मैंने चेक इन करना है अभी, जहाँ पे मैंने अपना स्टे लिया है, दैट इज़ जोस्टल. तो जोस्टल में मैंने अपने लिए बुकिंग करी है, दो दिन की रूम बुक करा है, कुछ 700 का पर डे का पड़ा है. तो जस्ट ऑन द वे हूँ बस स्टैंड से, आई थिंक 1 किलोमीटर पर शो कर रहा है मैं आपको, तो वॉक करते हैं 1 किलोमीटर पर, पहुँचते हैं वहाँ पर, चेक इन करते हैं और फिर ही मिलती हूँ आपसे. बाय द वे गाइस, यहाँ पे ठंड है, मतलब मेरे को ठंड फील हो रही है. एंड मैंने जस्ट हाफ स्लीव्स का ही ये टॉप पहना हुआ है. सो यस, ठंड है यहाँ पर, हिल स्टेशन है डेफिनेटली. और लेकिन ये ठंड बहुत अच्छी लग रही है. पिछले कुछ टाइम से मैं आपको बताइए पौंडीचेरी थी, कोयम्बटूर तो गर्मी तो थी वहाँ पर, एंड पौंडीचेरी में तो बहुत ही गर्मी है. बट अभी आफ्टर सो लॉन्ग ये ठंडक फील जो हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऊटी में अगर जब भी आएंगे वहाँ पर आपको ठंड ही मिलेगी. काफ़ी प्यारा, ठंडा और ग्रीनरी भरा ये हिल स्टेशन है. सो ऊटी के बस स्टैंड से कुछ 1 किलोमीटर के वॉक करके मैं पहुँच गई थी जोस्टल. एंड यहाँ पे मैंने अपना स्टे बुक करा है, एंड 750 रुपीज़ का पर नाइट का पड़ा है मुझे. जोस्टल की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग की है, आपको booking.com पे वैसे ऑप्शन मिल जाएगा इनका. और यहाँ से बताऊँ तो व्यूज़, ओ माय गॉड, यहाँ से प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है इनकी, तो बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे, तो मज़ा आएगा यहाँ पर रहने में भी. और बस चेक इन करते हैं, बैग रखती हूँ अपना और निकलती हूँ फिर मैं ऊटी को एक्सप्लोर करने. सो गाइस, आई हैव टेकन द फीमेल डॉम, मतलब शेयरिंग में है ये पूरा रूम है जिसमें सारे डॉम्स हैं, एंड दिस वन इज माय डॉम. और ये पूरा फीमेल डॉर्मेट्री है और वॉशरूम इस साइड है. इट्स क्लीन, या द रूम इज क्लीन. बस मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम लगती है कि ये कर्टन्स प्रोवाइड नहीं करते. कर्टन्स होना बहुत ज़रूरी है जिससे प्राइवेसी इंक्रीज होती है, बट जोस्टल की किसी प्रॉपर्टी में कर्टन्स नहीं है. ये चीज़ मेरे को ऑलरेडी पता थी, वैसे पता है आई मीन. सो या ये चीज़ मेंशन करनी है कि अगर कर्टन्स हो तो फुल नंबर है. बट चलो एनीवे, जो भी है, ये है मेरा 2 दिन के लिए स्टे, एंड द प्रॉपर्टी इज़ रियली गुड बाय द वे जोस्टल के लिए. बाहर ये सारा एरिया है जहाँ पर वी कैन ऑर्डर फूड. Here we can have something. क्या बन रहा है? I think मैगी बन रही है. Okay. मैं जा रही हूँ now to explore ऊटी. ऊटी को explore करने के लिए. अब मैं ऊटी को कैसे explore करूँगी? यहाँ पे देखने के लिए क्या है, क्या tourist places है, अगेन कितना खर्चा होगा, टैक्सी रेट क्या है, किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी, बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. सो आई विल मेक दैट सेपरेट वीडियो ऑफ ऊटी टूरिस्ट प्लेसेस एंड ऊटी ट्रैवल गाइड. सो यू नीड टू वेट फॉर दैट, जस्ट वेट कीजिए. बाय द वे, दैट्स हाउ यू कैन रीच हियर इन ऊटी. इस वीडियो में जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. जब भी आप ऊटी का ट्रिप प्लान करेंगे हेल्पफुल रहेगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऊटी के नज़ारे, ये सीनरी, ब्यूटीफुल सी लोकेशन अगर पसंद आई हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो. एंड मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग. In the Milky Way.